हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फाइनाइट एलिमेंट मेथड सो दिस इज द एथ लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड माय नेम इज सी माशु पंड्या सो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को तो फर्स्ट मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया था और सेकेंड मॉड्यूल के अंदर हम थर्ड लेक्चर पे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स ओके सो वॉट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जो भी stiffness matrix स्टिफनेस मैट्रिक्स का ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का ओके ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ठीक है अगर वो टू बाय टू का हुआ तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होगा ओके अगर वो थ्री बाय थ्री का हुआ तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री हो जाएगा आपका ठीक है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है ये अननोन्स हैं जिन्हें हमें एफ के थ्रू फाइंड आउट करना है ओके तो ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग्स टू टोटल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तो जितने अननोन्स होंगे उतना उतने ही उतनी ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं और उतना ही ऑर्डर होगा स्टिफनेस मैट्रिक्स का या फिर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ओके फाइनल मैट्रिक्स देखनी हमें लोकल नहीं देखनी लोकल में तो बेसिकली टू बाई टू का ही मैट्रिक्स बनता है ग्लोबल में वो सभी टू बाई टू को एक साथ वो इनकोपरेट कर लेता है ओके नाउ सेकेंड वन इज स्टिफनेस मेट्रिक्स इज सीमेट्रिक एंड बैंडेड मेट्रिक्स तो इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं इस वर्ड को पर आपको ये याद होना चाहिए कि ये सीमेट्रिक होती है और ये बैंडेड मेट्रिक्स होती है ओके okay. नाओ इस पॉइंट को अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ओके नाउ थर्ड वन इज डाइग्नल टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव तो डाइग्नल टर्म्स जो होते हैं सीमेट्रिक सॉरी ये स्टिफनस मेट्रिक्स के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और उन्हें पॉजिटिव होना ज़रूरी है ओके okay. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज singular स्टिफनेस मैट्रिक्स means स्ट्रक्चर इज अनकंस्ट्रेंट नो बाउंड्री कंडीशन अनकंस्ट्रेंट मतलब कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दिए सिंगुलर का मतलब क्या होता है सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका उस मैट्रिक्स का जो determinant होगा वो जीरो के बराबर होगा ठीक है तो इस केस में आ, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि किस तरीके से एक मैट्रिक्स को जब तक अपन बाउंड्री कंडीशन पुट नहीं करते तब तक उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है ठीक है तो सिंगुलर स्टिफनेस मैट्रिक्स है अगर तो मतलब उसके अंदर बाउंड्री कंडीशन आपने पुट नहीं करी है सिस्टम अनकंस्टेंट है मतलब एक रोड को आपने सिर्फ रख दिया है अगर उस रख उस रोड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करने लग जाएगी वो स्टेशनरी नहीं रहेगी जब तक आप किसी एक एंड को या दोनों एंड को फिक्स नहीं करते ओके तो ये इसका मतलब होता है नाउ फिफ्थ वन इज सीमेट्रिक स्टिफनेस मेट्रिक्स शोज फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और जो सिमेट्रिक अब हमारी जो होती है बेसिकली सिमेट्रिक ही होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का कोई भी इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्टली कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लीनियर रिलेशनशिप होता है ओके तो दीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिफनेस मेट्रिक्स सो हियर सेकेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ बात करी थी सेकेंड की सिमेट्रिक एंड बेंडेड मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका मैट्रिक्स uh, और जिसका ट्रांसपोज सेम होता है ठीक है जैसे कि ये मैट्रिक्स है इस ये थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है थ्री रोज है और थ्री कोलम है ठीक है इसका ऑर्डर थ्री हो गया ठीक है अब यहाँ पे आप फर्स्ट रो देख सकते हैं थ्री वन टू और इसको अगर इसका ट्रांसपोज लेना होता है तो इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं थ्री वन टू ओके सेकेंड देखते वन फोर जीरो कन्वर्ट कर दिया मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और लास्ट है टू जीरो थ्री टू जीरो थ्री यहां लिख दिया अब अब कंपेयर करेंगे दोनों को तो ये दोनों ही सेम सी दिखेगी हमें सॉरी दोनों ही सेम सी दिखेगी आप देख सकते थ्री वन टू थ्री वन टू वन फोर जीरो एंड टू जीरो थ्री तो टू जीरो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो आपको जानना थोड़ा सा जरूरी होता है ताकि आप डिस्टिंग कर पाए अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स को तो so, पहला है अपने पास स्पार्स मैट्रिक्स इट इज मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर जीरो अगर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके जीरो होते हैं ठीक है तो उस केस में उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं जैसे कि इस केस में बहुत ही कम जीरो हैं तो इसको बोलेंगे एलिमेंट आर नॉन जीरो मेट्रिक्स जो है यह डेंस मैट्रिक्स, है ओके ये डेंस मेट्रिक्स है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एंटिटीज आर नॉन जीरो और तीसरी डेफिनेशन है बैंडेड मेट्रिक बैंडेड मेट्रिक्स का मतलब होता है मेट्रिक्स इज बैंडेड इफ़ द नॉन ज़ीरो टर्म्स ऑफ द मेट्रिक्स आर गेदर्ड अबाउट द मेन डायगनल ये आपका मेन डाइगनल होता है मेट्रिक्स का अगर नॉन ज़ीरो जो टर्म्स है इसके ज़्यादा पास में होते हैं जैसे यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है तो ये एकदम से इसको बैंडेड मेट्रिक्स नहीं बोलेंगे ठीक है uh, तो ये जो मेन डाइग्नल के आस पास ही ज़्यादा नॉन ज़ीरो रहते हैं और बाकी दूर ज़ीरो रहते हैं तो उसे बैंडेड मेट्रिक्स कहा जाता है तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यहाँ पर ठीक है तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली यहां पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है ओके ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है अब इसको हमने टू ट्रायंगुलर एलिमेंट ओके टू टू डी ट्राइंगुलर एलिमेंट में डिवाइड कर रखा है ओके मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ठीक है तो किस तरीके से हमने ये पूरा हमारे पास एक ब्लॉक था हमने इसको क्या किया ये इस तरीके से आ, और ये हाफ हाफ़ में है ओके इसको हाफ़ करना पड़ेगा ये हाफ़ कर दिया और ये ये तो इसको ट्रायंगुलर एलिमेंट में हमने कट करा है। अब तो टोटल कितने आ, इसके अंदर एलिमेंट्स बन गए हैं इसके अंदर टोटल ए बी सी और डी मैंने ए बी सी डी फिलहाल नाम दिया इन्हें तो टोटल चार एलिमेंट हुए हैं ओके अब ये कौन सा है टू डी ट्राइंगुलर एलिमेंट है ठीक है अभी तक हमने स्प्रिंग वगैरह देखा था रोड देखा था वन डी था तो आपने जो मेरा सेकेंड लेक्चर था एलिमेंट्स इन एफ ई एम उसके अंदर आपने देखा था कि टू डी एलिमेंट में अपने पास होता है ट्राइंगुलर और क्वाड्रिलेटरल तो ठीक है तो अपन इसको फिलहाल के लिए ट्राइंगुलर में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल इस पूरे पार्ट को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया चार एलिमेंट अब इसके टोटल नोड्स कितने होंगे इसके नोड होंगे वन टू या मैं इसी पे कर देता हूँ नोट्स इसको साफ करके तो नोड होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल तो सिक्स नोड है यहाँ पे ओके अब बेसिकली ये क्या टू डायमेंशन है ऑब्जेक्ट जो है या अपना एलिमेंट है टू डायमेंशन है तो अभी तक अपन जो जैसे कि अपन ने ये एक स्प्रिंग या कोई भी एलिमेंट लेते थे उसके अंदर हम सिर्फ लिखते थे डी वन अपन ये इस डायरेक्शन में वाई वन नहीं लिखते थे क्योंकि वो वन डी की प्रॉब्लम थी ओके नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस एज ए टू 2d प्रॉब्लम ओके okay, तो इस केस में क्या होगा कि हर नोड पे नोड वन पे भी एक्स और वाई वन और टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसी तरीके से यहाँ पे हर जगह पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ओके okay. तो टोटल तो छः अपने पास नोड है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बारह और इसको नंबर दे दिया अपन ने मैं नंबर यहाँ पे थोड़ा से हाइड हो गए तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और नंबर यहाँ पे हो गए हैं अपने वन टू इस नोड वन पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसलिए उसको वन और टू बोला गया उसी तरीके से टू जो नोड है उस पर भी थ्री और फोर मतलब उसमें भी एक्स का डिस्प्लेसमेंट को थ्री बोलेंगे और वाई के डिस्प्लेसमेंट को फोर बोल देंगे या अल्टरनेट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से टोटल छः पॉइंट में अपने पास बारह डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हो गए ठीक है अब इनको बारह डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिखने का तरीका देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करा अपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये नंबरिंग भी ठीक है तो इस नंबरिंग से क्या हो रहा है जो वन और टू नोड है उसका जो रिलेशन है या वो उसका कॉन्टेक्ट कहाँ तक जा रहा है नाइन और टेन तक जा रहा है तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल की स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनेगी क्या बनेगी वो तो हम आगे देखेंगे और ये भी टू डी का केस है तो बहुत ही लेट देखेंगे हम बट अभी आप समझिए कि अगर वन और टू नोड आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन में हैं तो इसका मतलब ये पूरी रो टेन तक कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू से फिल होगी उसी तरीके से ये टेन भी टू तक है तो आ, यहाँ पे ये पूरा आपको ये फिल होगा और यहाँ देख सकते हैं इलेवन ट्वेल्थ जो है वो थ्री फोर से टच में है तो ये इलेवन ट्वेल्थ ये थ्री फोर से ये पूरा ये पूरा पार्ट टच में होगा ठीक है टेन पूरा ट्वेल्थ तक टेन जो है वन टू से लेके ट्वेल्व तक टच में है तो ये पूरा नॉन जीरो फिल हो जाएगा नॉन जीरो एंटिटीज होगी तो ये जो मैट्रिक्स बनी इस मैट्रिक्स को कहेंगे अपन डेंस मैट्रिक्स कहेंगे पहली बात तो ठीक है बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस मैट्रिक्स है ये क्योंकि बहुत ही कम पार्ट में जीरो आपके यहाँ पे आएंगे ठीक है और नॉन नॉन जीरो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा होंगे तो इसको बोलेंगे डेंस मैट्रिक्स अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या है कि पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से नंबरिंग करी थी ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं ये रिमूव कर देता हूँ चीज़ों को ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखिए अब जो अपना नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव फोर सिक्स ठीक है तो अब जो वन टू है ये किसके कॉन्टैक्ट में आप ये जो नोड है किसी और नोड के कॉन्टैक्ट में है हाँ वो इस नोड के कॉन्टैक्ट में है जो है सेवन और एट तो यहाँ पे जो वन से लेके सेवन एट तक ही यहाँ पे नॉन ज़ीरो टर्म होगी उसके बाद नाइन और वन का कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे सब ये ज़ीरो फील हो जाएंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम प्रॉब्लम था बट थोड़ी सी नोड नंबरिंग की वजह से हमने इसमें क्या करा इसको मेजर एक्सिस जो है सभी उसके पास में लिया है इसको बेंडेड बना दिया अपन ने मेजर एक्सिस को के पास में नॉन जीरो टर्म्स लिया है और उसके अवे हमने जीरो टर्म्स लिया है तो इसको हमने बेंडेड बना दिया तो बेंडेड बनाने से हमारे पास बहुत सारा फायदा होता है कंप्यूटर में इसको स्टोरेज के लिए इन सब वैल्यूज़ को अब ज़ीरो uh, मान सकते हो और इस्टोरेज कम हो जाता है कैलकुलेशन में ये फास्ट हो जाती है ठीक है सॉल्व करना इजी हो जाती है ठीक है तो ये हमें हमेशा ही नंबरिंग इस तरीके से करनी पड़ती है या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं एफ के वो इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि ये मेजरली बैंडेड मेट्रिक्स बने जो ईजिली सॉल्व हो पाए तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और भी अगर आपको कोई फीडबैक या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you, everyone.